सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदेद कहते हैं आपको प्रोग्राम लाइव विद खालिद फातमी में, और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान रुबीना अलवी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा सुबुकदोश हो गए। जस्टिस गुलजार अहमद पाकिस्तान के 27वें मुनसिफ आला के ओहदे पर बड़ा जमान। जस्टिस गुलजार अहमद ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। नए चीफ जस्टिस से अवामी तवक्कात। 27वें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को अपने दौर में किन किन चैलेंजेस का सामना होगा और जस्टिस गुलजार अदली और इदारों के दरमियान दूरियां ख़त्म कर पाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में आगे चलकर बात होगी इदारों के दरमियान दूरियां, मुल्क में अदम इस्तेकाम की फ़िज़ा कायम, मुशर्रफ के सियासी सूरत हाल और कानूनी मामलात पर विफाक का मौक़िफ़ वाज़े, इस पर हम तज़िया लेंगे फातमी साहब का, जो कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। ठीक है फातमी साहब, खैरियत से हैं? सिवाय सर्दी खांसी के सब सही। सही। अच्छा फातमी साहब, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो हैं वो सुबुकदोश हो गए हैं। पाकिस्तान ज़ाहिर है कि गुज़िश्ता कई महीनों से अदालती पेचीदगियों में तो आप देख रहे हैं कि जकड़ा हुआ है, उलझा हुआ है। आप किस तरह देख रहे हैं जो नए चीफ जस्टिस अब आएंगे, बड़ा जमान होंगे, तो किस तरीके से आगे आपको दिख रहा है? जी हाँ, अब ये जस्टिस गुलजार अहमद साहब तशरीफ ले आए हैं, ये इनकी तालीम यहीं गुलिस्तान स्कूल में और फिर नेशनल कॉलेज और फिर बाकायदा और सिंध हाई कोर्ट से इन्होंने शुरू किया और बतदरीज यहाँ तक पहुँचे। एक तवील तारीख है कानूनी जो पेचीदगियों से गुज़रते हुए, और एक अच्छी रेपुटेशन है। इस लिहाज से भी बहुत अहमियत है कि ये चीफ जस्टिस साहब कमो बेश 2 साल के लिए आ रहे हैं। अमूमन ये होता है कि जो नया हमारे यहाँ सिस्टम है उसमें ये है कि सीनियरिटी की बुनियाद पे चीफ जस्टिस आते हैं और वो जो उम्र के लिहाज से जो वक्त है उतने ही वक्त के लिए, जैसे अभी आप खोसा साहब चले गए जल्दी, लेकिन इनको गोया एक अच्छा वक्त मिल जाएगा जो इनको अपनी यानी फ़राइज़ के अंजाम दही में बहुत आसानी होगी। एक अहम बात जो एक आम, यानी हम तो ज़ाहिर है कानूनी तौर पे इसके एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन जो एक आम तायराना नज़र इन पे डाली जाती है और इनकी तारीख के हवाले से देखा जाता है, उसमें महसूस यही होता है कि ये सबसे ज़्यादा सख्त करप्शन के ख़िलाफ़, जो एक बहुत मौजूदा हुकूमत और ख़ास तौर पे इमरान ख़ान साहब का जो पूरी कंपेन थी इलेक्शन की, या पिछले 10-12 साल से जो नारे लगाते थे वो लगाते ही थे करप्शन के ख़िलाफ़, और ज़ाहिर अब इसी बुनियाद पे उनको अवाम ने चुना। तो ऐसी हालत में चीफ जस्टिस गुलजार साहब का आना एक लिहाज से खुश आइंद है कि जो शिकायत मौजूदा हुकूमत को इस मुल्क में है कि करप्शन की वजह से, बहुत मुमकिन है कि अगर हुकूमत और उनके दरमियान किसी किस्म का तफरका या इख्तलाफ ना हुआ तो बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। अब ये जो इन्होंने ओहदे का हलफ उठा लिया है, बड़ा जमान हो गए अपने ओहदे पे, मुनसिफ आला पर 27वें मुनसिफ आला है। जी जी। तो आपके ख्याल में जो अवामी जो तवक्कात हैं वो बढ़ाएंगी, मतलब आपको लगता है कि नए चीफ जस्टिस जो हैं वो अवामी तवक्कात पे पूरे उतरेंगे? मेरा ख्याल है उतरेंगे। उसकी वजह देखिए, इनके जो फैसले हैं ना, उसमें पनामा का फैसला है, उसमें ये शामिल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो सबसे ज्यादा सख्ती इन्होंने की है वो कराची में कब्ज़ा माफिया तजावजात, रहायशी इलाकों में जो कमर्शियल सरगर्मियां हैं उसके हवाले से, अच्छा अस्करी इदारों के जानिब से भी जो तजावजात थे, ये इससे पहले ज़रा लोगों में हिम्मत नहीं थी क्योंकि अस्करी मामले में हम लोग बिल्कुल बेबस हो जाते हैं, लेकिन इसमें भी इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया।
اور ان کے فیصلے کے بعد شہر کی 500 غیر قانونی تعمیرات کو منظم کر دیا گیا. اس کے علاوہ توہین عدالت کے کیس میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے رکن جو ہے طلال چودھری صاحب ان کو سزا بھی دی اور نااہل بھی قرار دے دیا. اسی طرح انہوں نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اور تھر کول منصوبے میں کرپشن اور کراچی میں بارش کے دوران جو کے الیکٹرک کی لاپرواہی سے ہلاکتیں ہوئیں اس میں بھی سخت ریمارکس دیے. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک خاص مزاج کے آدمی ہیں جس میں قانون کے معاملے میں سخت بھی ہوں گے اور اس کے عمل درآمد میں کافی ایمانداری سے اور جو پروفیشنلزم ہے اور جو ادارے کی ساکھ ہے اس کو اچھی طرح رن کریں. جس طرح سے انہوں نے یہ والے چیلنجز کا سامنا کیا نا جو ابھی آپ نے گنوائے ہیں, تو آگے چل کے جو چیلنجز آنے والے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی یہ ہاں دیکھیں اس میں اس وقت جو سب سے بڑی جو ہے دیکھیں ہے کیا ملک کے دو تین بڑے ادارے ہوتے ہیں جس پہ ملک چلتا ہے. صحیح. یعنی ایڈمنسٹریشن ہے جس کو ہم مینجمنٹ کہتے ہیں, مقننہ ہے یہ جو پارلیمنٹ بناتی ہے, اور فوج ہے. اچھا اب اس ملک میں خوش قسمتی یا بدقسمتی سے ہمارے ہاں افواج ہی واحد ادارہ ہے جو بہت مستحکم ہے اور جس کی طاقت کے سامنے لوگ بے بس بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت بڑی تعداد پاکستان میں ان کو پسند بھی کرتی ہے, تو اسی لیے آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ پاکستان میں جو معتبر ادارہ ابھی تک سمجھا جاتا عمومی طور پہ افواج پاکستان کو سمجھا. اس سے قطع نظر کی اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے تو ایک الگ بحث ہے, لیکن عموماً مہذب معاشرے میں سب سے بڑا جو رول پلے کرتا ہے وہ کرتا ہے جوڈیشری. ٹھیک ہے. یعنی یہی قرآن کے روح سے بھی, یعنی قرآن نے سیکورٹی کے حوالے سے تو نہیں سمجھایا لیکن انصاف کے حوالے سے بہت سختی کی. تو اب مشرق میں اور خاص طور پہ مسلم امہ میں تو اس کا چونکہ ابھی تک ہمارے ہاں وہی کانسیپٹ ہے کہ شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر, تو ہمارے ہاں تو ابھی تک احترام طاقت کے حوالے سے دیا جاتا ہے, لیکن جو مہذب دنیا ہے یعنی یورپ امریکہ ان کے ہاں سب سے بڑا درجہ یا سب سے بڑی اتھارٹی جو ہے وہ جوڈیشری کی ہے. ٹھیک ہے. قائد اعظم خود بھی آپ کو پتہ ہے وکیل تھے, لیاقت علی وکیل تھے, اور زیادہ تر لوگ جو پاکستان میں وزیر اعظم بنے شروع میں یہ سارے لوگ وکلا ہوتے تھے, اور یہ پوری جو موومنٹ پاکستان کی چلائی یہ بھی وکلا نے کی. تو ہمارا خیال یہ تھا کہ پاکستان میں جوڈیشری جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی, لیکن جب پہلی بار شب خون مارا ایوب خان نے اور پھر ضیاء الحق نے اور پھر پرویز مشرف نے جس کے حوالے سے اب سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد یہ ہوا کہ جوڈیشری, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ جتنے بھی سخت آدمی ہوں جتنے بھی ایماندار آدمی ہوں لیکن گن پوائنٹ پہ کوئی کام نہیں کر پاتے, تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جوڈیشری ہماری خوف سے اور پہلے خوف سے مانتی گئی اور پھر لالچ آتا گیا, کیونکہ جب ہم ایک بار کرپٹ ہو جاتے تو اس حوالے سے جوڈیشری پہ بے شمار الزامات بھی لگتے رہے پاکستان میں. لیکن جب آخری موومنٹ 2007 کے بعد چلی اور جوڈیشری میں آپ کو پتا عمران خان بھی اس میں 7-8 دن جیل میں بھی رہے, اس موومنٹ میں سارے لیڈر شامل تھے افتخار چودھری صاحب کے, اس کے بعد ایک عام خیال یہ تھا کہ جوڈیشری کا مقام جو ہے وہ اہم ہے, اور ابھی بھی عام لوگوں کا یہ خیال ہے, قطع نظر اس کے کہ عوام میں تو اتنی ابھی پاپولیرٹی ان کی نہیں ہے, لیکن عام خیال یہ ہے کہ جوڈیشری. اچھا پہلی بات آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی ملک میں اس وقت تک استحکام نہیں آ سکتا جب تک اس کی جوڈیشری بہت اچھی نہیں, باقی سب بیکار ہے. کہنے کی باتیں کہ فوج ہے یا پارلیمنٹ ہے وہ تو سارے کام کر رہے ہیں, لیکن یہ وہ ہے جو بیلنس ہمارے ہاں ایسا نہیں ہو پا رہا ہے. ٹھیک ہے فاطمی صاحب, جسٹس گلزار صاحب جو ہیں, تو آپ کے خیال میں اب یہ عدلیہ اور جو اداروں کے درمیان جو دوریاں سننے میں آ رہا ہے نا کہ آ جائیں گی, دیکھیے اگر یہ آ گئی تو یہ ختم کرنے میں کامیاب ہو. دیکھیے اول تو میں نہیں سمجھتا, یہ بھی ٹرمولوجی بہت خراب ہے پاکستان میں, یہ سیاست دان اس قسم کے ٹرمولوجی استعمال کرتے ہیں کہ یہ اداروں میں فاصلے, بھائی فاصلے تو کیا پریشانی, آپ کا اپنا کام. یہ ایسا ہی ہے کہنے لگے صاحب یہ جو آئی ٹی کا کام کر رہا ہے اس کے درمیان, یہ جو تھیسس لکھ رہے ہیں ان کے درمیان بہت فاصلہ, بھائی فاصلہ ہونا ہو یا نہیں ہو اس سے بات, اصل میں دیکھیں فاصلہ اور دوری نہیں, یہ بالکل ویک ٹرمولوجی ہے, عوام کو ورغلانے والی ٹرمولوجی ہے, اور یا لاشعوری طور پہ ہم ابھی اتنے تعلیم یافتہ نہیں کہ ہمیں. سوال یہ کہ فوج ہے اس کا اپنا کام ہے,
और वो कर रही है और सबसे अच्छा कर रही है, उसमें कोई परेशानी, आपको पता टेररिज्म जिस तरह क्लियर किया है पिछले 10 साल में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुकन्नना है उसका अपना काम है, पार्लियामेंट है उसका अपना काम है। अच्छा तो टकराव किस बात, मतलब क्या पार्लियामेंट के लोग कह रहे जी हमें बंदूक दिया जाए हम सरहद पे लड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, या फौज ये कहने लगी कि ये पार्लियामेंट में हम बैठेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, या जज ये कहने लगेंगे कि साहब अब जो है अकाउंटिंग के सारे काम अकाउंटिंग जनरल जो है पाकिस्तान का उसको, ऐसा तो नहीं है ना, काम डिफाइन है। अच्छा अब दूरी, ये एक सियासतदान कौम को आप समझिए मिसगाइड करने के लिए बरगा लाने के लिए टर्मोलॉजिस्ट, फासले हों या नहीं हों उससे कोई फर्क नहीं, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो जिस अहाते का आदमी है जिस कैनवस पे उसको काम करना उससे बाहर ना जाए, कलर बाहर ना फेंके। अच्छा हमारे यहाँ ये टर्मोलॉजी इस्तेमाल इसलिए हुई कि 58 में और फिर यहिया खान और फिर ज़ियाउल्लाह और फिर परवेज़ मुशर्रफ़ के बार बार दखलंदाजी से ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि ये इदारों में फर्क, इदारों में कोई वो ज़ाहिर इंडिविजुअल एक काम था ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है ब्रेक, और नाज़रीन आप हमें दोबारा ज्वाइन कीजिएगा इसी प्रोग्राम लाइव विद खालिद फातमी में, स्टे विद अस। जी नाज़रीन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। फातमी साहब, जिस तरह से बात की जाए चैलेंजेस के हवाले से भी हमने बात की थी कि आगे जाके भी उनको चैलेंजेस का सामना होगा, तो ये जो नए चीफ जस्टिस हैं हमारे गुलजार अहमद साहब, तो आप समझते हैं कि मातहत अदलिया के जो मसाइल और चैलेंजेस हैं उनका क्या हल निकलेगा? देखिए डिपेंड करता है, मैंने आपसे कहा ना कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब तशरीफ़ लाए थे, इत्तेफाक से मेरी उनसे बहुत अच्छी अलैक्सलैक रही, होता ये है कि हमारे यहाँ जजेस कम हैं और मुकदमात बहुत ज़्यादा हैं, तो नतीजा ये होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा है। अच्छा ये पिछले आसिफ खोसा साहब भी और ये जो मौजूदा हैं ये इनकी स्पीड बहुत तेज़ है तो ये जल्दी इन बहुत तेज़ी से निपटा। लेकिन जो दूसरा बहुत बड़ा मसला है जो मैं कहना चाहूँगा, हालांकि सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं, कि मसला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बड़े मुकदमात जा, सारा जो करप्शन या क्राइम या बदनामी है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोकल कोर्ट। अच्छा उस पर पहले भी जो जजेज आए हैं उन्होंने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, मुझे नहीं पता क्यों, शायद उसकी वजह यह है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें चूंकि थाने भी मुलव्वस होते हैं और मैं टर्मोलॉजी से तो इतना वाकिफ नहीं, लेकिन उसमें अच्छा होता क्या है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं लोअर कोर्ट में होते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सिटी कोर्ट में या लोअर कोर्ट में, क्योंकि आम दिनों के मसाइल चोरी चमारी किराया कब्ज़ा वहाँ है करप्शन, उस पर अभी तक हमारी जुडिशरी के जो आला अफसरान हैं जो आला है उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे जितना देना चाहिए। अच्छा अब होता क्या, सुप्रीम मैंने आपसे कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो सिर्फ आप समझिए हम मीडिया पे देख देख के खुश होते हैं, भाई फलां केस है परवेज़ मुशर्रफ का केस है तो नवाज़ शरीफ का है तो पनामा का है तो जरदारी साहब अंदर हो गए फरियाल तालपुर भी अंदर चली गई तो फलां साहब आ गए, तो इसलिए हमें उसमें मज़ा आता है और देखते हैं, यानी पाकिस्तान का एक मिजाज भी हमारा। लेकिन जो असल कोर मसाइल हैं, फैमिलीज़ के मसाइल हैं, महल्ले के मसाइल हैं, गरीब के मसाइल हैं, आम लोग, उसके लिए हमारे यहाँ जुडिशरी ने अभी तक कोई, यानी हो सकता किया हो मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन अब तक बज़ाहिर ऐसे कोई काम नज़र। अब रहा इनका अपने गुलजार साहब, मैंने आपसे पहले कहा कि जो इनकी तारीख है उससे पता चलता है कि ये सख्त आदमी है और कवानीन के लागू करने में बहुत ज़्यादा इनको दुश्वारी नहीं हुई। अब जो चैलेंज है जो सबसे बड़े दो चैलेंज, ठीक है उस मुतालिक हम यासीन आज़ाद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं, माहिर कानून जी। अस्सलाम वालेकुम यासीन आज़ाद साहब। जी यासीन साहब, किस तरह से आप कहेंगे जिस तरह से चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा तो सुबुकदोश हो गए हैं और जस्टिस गुलजार अहमद ने पाकिस्तान के 27वें मुनसिफ आला के ओहदे पर हलफ उठा लिया है, तो पाकिस्तान गुज़श्ता कई महीनों से यासीन आज़ाद साहब जिस तरह से आप देख रहे हैं पेचीदगियों में उलझा हुआ है, आप क्या कहेंगे कि अब आपको लगता है कि ये जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके फैसलों के बाद उनकी सरबराही में अदलिया को आप कहाँ स्टैंड होता हुआ देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप?
उसने पहली बात किया कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा तरीकाकार है कि फिर जज होगा वो जस्टिस बनेगा और डायरेक्टर जो है जस्टिस गुलजार साहब जो है ना सीनियर को जज के ऊपर थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जी जस्टिस गुलजार साहब का जहाँ तक ताल्लुक है मैं अब तक ग्राफ से उनको जानता हूँ वो हमारे बार के सेक्रेटरी भी रहे अहदेदार भी रहे बाद में वो जज बने तो बार के मसाइल को भी समझ और आम लोगों के मसाइल को भी समझते हैं और चूँकि उनकी ज़्यादा प्रेशर था अपने ज़माने में जो थी वो ज़्यादा पेपर साइज या कॉर्पोरेट लॉ की तरफ थी तो जहाँ तक मसाइल का तल्लक है प्रॉब्लम का तल्लक है वो सारी के सारी उनको बात को भी अंदाज़ा है जी ये बात अलग है कि हमारे हमारे यहाँ जो हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं उस पर मामला में ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं इस तरह मिसाल के पर जनरल परवेज मुशर्रफ का केस था कोर्ट ने जजमेंट दे दिया किसी भी आदमी को चिकने चलाने की जरूरत नहीं थी कानून फ्राहम करता है अपील का राइट देता है तो खामोशी से जिस तरह किसी को सजाए मौत हो जाती है जी तो वो फिर हाई कोर्ट में अपील होती है सुप्रीम कोर्ट तक अपील होती है बहुत सारे लोग जाके सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाते हैं सही अब मिसाल के तौर पर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को सजा हुई तो एक इदारे ने उसको अपनी इज्जत का अना का मसला बना लिया बाद ये पता होता है जब वो बंदा रिटायर हो गया सियासत में आ गया पार्टी का एक सरबरा बन गया सियासी जमात बना दी मामला तय तो वो रिटायर होने के बाद पाकिस्तान से खारिज किया जाना चाहिए वो छोड़ नहीं किया जाना चाहिए अब अगर सजा हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह था उसमें जिस अंदाज में आपने देखा होगा कि हमारे ला मिनिस्टर ने जो रिमार्क जजिस के मतलब दिए कि दे आर मेंटली सिक हैं इनकम्पिटेंट हैं इस तरह के जुमले जो एक ला मिनिस्टर अगर पास करे अब ये बताएं जो एससी सोचे अन्य इदारों के दरमियान एक किस्म का टकराव तो पैदा होगा ना सही तरह कल जो अटारनी जनरल की तरफ से एडिशनल अटारनी जनरल आया मैं फुल कोर्ट रेफरेंस में मौजूद था जिस अंदाज उसमें तकलीफ थी और जब तक आसफ सही होता पे हूँ फुल कोर्ट रेफरेंस के दौरान इल्जाम लगाए जी उन्होंने उसके बाद जवाब दिया हम किसी से नहीं डरते हम कानून और आयन के मुताबिक काम करते हैं अटारनी जनरल क्या जरूरत थी उनके खिलाफ इल्जाम लगाने के ये हमारे यहाँ एक रिवायत बनती जा रही है ठीक है तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे नए चीफ जस्टिस हैं उनके सामने बहुत बड़े चैलेंज हैं ट्रायल कोर्ट में बेहतरी भी लानी है क्योंकि ज़्यादा लिटिगेंट पब्लिक जो होती है वो ट्रायल कोर्ट में है फिर सिंध हाई कोर्ट में प्रॉब्लम यह है कि पूरे पाकिस्तान में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो ट्रायल कोर्ट से दी जाती है लेकिन कराची में क्योंकि ये शहर शुरू से ऐसा शहर है इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी हाई कोर्ट को दी गई है उसकी वजह से मुकदमात की भरमार है अब पाकिस्तान बनने के बाद जजिस की तादाद हाई कोर्ट पूरे सिंध में जजिस हाई कोर्ट की जजिस की तादाद 40 है वो भी बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं कभी पूरे होते हैं कभी नहीं होते ठीक है तो होना ये चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम कैदियों को जल्द इंसाफ मिले उनको मुकदमात जल्दी से डिस्पोजल हों तो फिर आबादी के अतबार से हाई कोर्ट की दो साहिबान की भी तादाद बननी चाहिए बिल्डिंग भी बननी चाहिए कम्प्लेक्स भी बनने चाहिए ताकि उसके हिसाब से वो मामला को आगे बढ़ाएं जो जो केसेस की रफ्तार बढ़ रही है जजिस की तादाद को बढ़ाएंगे आप उनको फैसिलिटीज का जो रिक्वायरमेंट है वो देंगे तो वो जल्दी डिस्पोजल की तरफ जाएंगे लेकिन 40 जज पूरे सिंध के लिए जहाँ कम अज कम इतनी लंबी चौड़ी आबादी है 2-2.5 करोड़ तक खाली कराची की आबादी है तो आप 2-2.5 करोड़ कराची की आबादी और पूरे सिंध की आबादी को देख लें यासीन आज़ाद साहब मैं खालिद फातमी बात कर रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम सर मैं इंटरप्ट करूँगा आपसे असल में हम चाह रहे हैं कि इस मौजू को यहाँ तक कन्फाइन करें आप ये बताएं कि जो नए चीफ जस्टिस आए हैं इनके सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं मेरे नज़दीक हो सकता मेरी कम इलमी एक तो ये कि परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से जो अब हुकूमत जा रही है पेश करने के लिए वो और दूसरे जो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन से ये चैलेंज आप किस तरह समझते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस इससे किस तरह निमट सकेंगे या क्या तरीक़ेकार होगा देखा सर आर्मी चीफ का जो जजमेंट है
वो फाइनल जजमेंट आ गया है। फाइनल जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तय कर दी कि अगर पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक विद इन द पीरियड ऑफ सिक्स मंथ, ऐसी सूरत में जनरल परवेज बाजवा साहब 29 नवंबर 2019 से रिटायर प्रस्तावित किए जाएंगे। तो आज ये गोल चला गया पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है नहीं कर सकती, अगर विद इन द पीरियड ऑफ सिक्स मंथ नहीं करते तो ऑटोमेटिकली ये चीफ साहब रिटायर हो जाते हैं, चीफ ऑफ आर्मी साहब रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, वो मामला दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने की पोजीशन में नहीं रहा। हाँ, अगर अभी से कोई रिव्यू फाइल कर देते हैं, गवर्नमेंट रिव्यू में चली जाती है, कोई और चला जाता है और वो रिव्यू पिटीशन पेंडिंग रहती है, ऐसी सूरत में अगर चीफ ऑफ आर्मी साहब का मामला कानून साजी नहीं होती तो आप रिव्यू पिटीशन को प्रेस कर सकते हैं कि रिकंसीडर कर टाइम दें, लेकिन वो चला जाए। अच्छा अच्छा, दूसरी बात ये, चूंकि वक्त भी कम होता है और परवेज मुशर्रफ से मुतल्लिक जो हुकूमत ने फैसला किया है, पहली बात तो आप मुझे बताएं, एज ए ले मैन मैं पूछ रहा हूँ कि ये केस तो स्टेट की तरफ से यानी गवर्नमेंट की तरफ से ही किया गया था ना। अच्छा, इस गवर्नमेंट ने ख़ुद भी नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने इमरान खान साहब ने बहुत शोर मचाया था कि भई ये इनको सज़ा ज़रूर दी जाए, अब वापस हो गया मामला, अब हुकूमत ख़ुद उनके डिफेंस में चली गई। क्या ये जो 15-16 महीने से पीटीआई पावर में थी तो क्यों नहीं विड्रॉ कर लिया केस को, क्योंकि उनके हाथ में था, क्यों इसका इंतज़ार किया कि जब फैसला हो जाए उसके बाद ये बदमजगी फैलाई जाए पूरे मुल्क में, इख्तलाफ भी फैल गया, इदारों के दरमियान भी नोक झोंक शुरू हो गई, तो क्या हुकूमत की कारकर्दगी नाकिस है, हुकूमत के समझ में नहीं आया, या हुकूमत उस वक्त कुछ और चाहती थी और अब कुछ और चाहती है? देखिए, पहली बात यह है कि बात चीज़ें आपने खुद ही कह दी कि इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, जनरल परवेज मुशर्रफ को सजा मिलनी चाहिए, ये तमाम मुतालबात उनके। इस केस में स्टेट जो है वो खुद पार्टी है, प्रोसिक्यूशन के फाइल जो स्टेट डिमांड है, केस फाइल किया स्टेट ने, तो मेरे नज़दीक केस को जीतने के बाद स्टेट को एक किस्म की खुशी करनी चाहिए थी कि हमारे हम केस जीत के जो हम केस देखे गए हैं ट्रिब्यूनल के अंदर वो केस हम जीत गए। ये पहली हुकूमत मैंने देखी है कि केस भी खुद कर रही है और केस जीतने पे मातम भी कर रही है। सही। और आपको ये कह रहे हैं कि हमने ये कर देना है वो कर देना है, और मैं हैरान हूँ इस बात से कि इनके ला मिनिस्टर ने और इनके अटॉर्नी ने पर्सन पर्सन जितनी भी लीगल एडवाइस अपनी हुकूमत को दिए, इस हुकूमत को शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं था मिला। अब आप ये बता दें कि जनरल परवेज मुशर्रफ के वकील ला मिनिस्टर भी थे और अकादमी जनरल भी थे। सही। कानून और कायदे के मुताबिक, बार काउंसिल के रूल के मुताबिक, ना तो अटॉर्नी जनरल प्रोसिक्यूटर बन सकता था ना, और ला मिनिस्टर से जब कभी भी पूछा गया कि आप और जनरल परवेज मुशर्रफ के वकील रहे तो आपने जवाब दिया नो कमेंट, नो कमेंट। अब जजमेंट आने के बाद ला मिनिस्टर भी एक्टिव हो गए, अटॉर्नी जनरल भी एक्टिव हो गए, हालांकि अपील करने का राइट जो है सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ का है, हुकूमत का नहीं है। हुकूमत क्या जाती देगी कि हमने जो केस था इसको खत्म कर दें, और हुकूमत कॉम्पिटेंट थी जिस तरह आपने। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो 15-16 महीनों से ये पावर में थे, अगर ये चाहते तो क्या ये केस खत्म करवा सकते थे? वो अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ करने के लिए अप्लाई कर सकते थे, तो फिर क्यों नहीं किया और अब क्यों कर रहे हैं? तो अब ये है कि इसका मतलब है कि ये हुकूमत आगे का खेल खेल रही है, और जब जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि इस हुकूमत के लीगल एडवाइजर ने पर्सन पर्सन जितनी भी लीगल एडवाइस थी इस हुकूमत को शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिला। आप तो इलेक्शन कमीशन के दो मेम्बरों को नहीं बना सके, बाकी बड़े मामला कहाँ से करेंगे? आप खुद देख लें, कानूनी मशवरा था, इलेक्शन कमीशन के दो मेंबरों का था, आप बीच में इलेक्शन कमिश्नर भी आ गया, आप कोई अपने लीगल वर्क करने की पोजीशन में नहीं है। अब अपोजिशन अगर आपका साथ नहीं देती तो आप कानून साजी कैसे करेंगे? क्योंकि कानून साजी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक आपको अपोजिशन के तमाम लोगों की सपोर्ट चाहिए।
सही। अब सवाल ये पैदा होता है कि दो बड़ी जमातें जो पार्लियामेंट के अंदर हैं। नहीं, मैं परवेज मुशर्रफ से मतलब पूछ रहा हूँ आपसे कि उन्होंने इस दौरान केस विड्रॉ नहीं किया, तो क्या इमरान खान ये चाहते थे कि पहले उन्हें सजा दिलवाएं और फिर माफ करें? क्या उनके जहन में क्या चीज थी? क्योंकि बहुत आसानी से ये जो बदमजगी हुई है, ये जो अच्छी बात नहीं आवाम में भी खामखा, तो इससे बचने के बजाय उन्होंने यहाँ तक केस को क्यों लाने दिया, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने इसी बात का मैंने आपको जवाब दिया कि ये हुकूमत ने इस मामले को खुद टेकअप किया, आपका स्टैंड जो था आप उस पर कायम नहीं रहे। अब ये हुकूमत बसन बसन दूर टर्न लेती है, इसका बैकग्राउंड क्या है वो आपके सामने है। मैं ये कहता हूँ कि 14 महीने पहले आपको सोच लेना चाहिए था, फर्दर अगर आप वाकई जन परवेज मुशर्रफ की हमायत में थे तो प्रोसिक्यूशन को ये डायरेक्शन देते कि आप विड्रॉल की अप्लीकेशन दें कि हम इस केस को विड्रॉ करना चाहते हैं। सही। वो कोई अप्लीकेशन आपने नहीं दी। तो आप जब फाइनल जजमेंट आ गया, आप ये कहते हैं कि हम जज के खिलाफ जो है ना 309 की कार्रवाई करेंगे प्रोफेशन का, तभी जज जो जज जजमेंट दे देता है, जजमेंट देने वाले आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? सिर्फ अपील हो सकती है। क्या इस वक्त को ये इतना पता नहीं है कि जो हम रेफरेंस फाइल करने की बात करते हैं वो हम नहीं कर सकते? फाइल करेंगे तो वही अशर होगा जो जस्टिस फैज इश्ताला हो रहा है। यही पोजीशन कल हमारे जो वाइस चेयरमैन है पास्टर बारकत्तव का, उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस में कहा कि अगर इस जज के खिलाफ कोई रेफरेंस फाइल किया गया तो हम इसको डिफेंड करेंगे और भरपूर तरीके से हम अदलिया का साथ देंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि अब नेक्स्ट स्टेप फर्स कीजिए, ये जैसा कि ऐलान कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके ख्याल में कोई स्टेज ऐसा आएगा कि ये केस नल एंड वॉइड हो जाएगा, या ऐसा आएगा कि इसका ये फैसला वापस इसी तरह रह जाएगा? आपके ख्याल में क्या है? सर देखें, हर केस में अपनी जगह गुंजाइश होती है। अपील फाइल करने का राइट जनरल परवेज मुशर्रफ का है। अगर जनरल परवेज मुशर्रफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं और कोर्ट ने उनको टाइम भी दिया है तो वो अपील फाइल कर सकते हैं। अपील फाइल करना उनका कानूनी हक है। अच्छा, उसके लिए उन्हें आना पड़ेगा या वहाँ से कर सकते हैं? क्योंकि इस जजमेंट के अंदर जज साहिबान ने कहा कि उनको सरेंडर करना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट के ऐसे केसेस हैं जिसमें मुल्ज़िम के अदम मौजूदगी में भी सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हो सकती है। अब उनके लीगल एडवाइजर उनको क्या एडवाइस करते हैं, जिस तरह पहले एडवाइस किया आइंदा क्या करते हैं, ये तो उन पर डिपेंड करता है। रिमेडी दोनों हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बजाय रोने के सीखने चलाने के इदारों का ये कहना कि जी हमारी मिसाइल हो गई, आपके पास सिर्फ अपील का राइट है, अपील फाइल करें, अल्लाह करे मुमकिन आपका कोई काम हो जाए। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि जो रिएक्शन हमारे इदारे भी शो कर रहे हैं, हमारी हुकूमत भी रिएक्शन शो कर रही है, ये बात मेरी समझ में नहीं। अच्छा, एक सवाल और, ये जो अपने जस्टिस वकार सेठ हैं, आप समझते हैं कि हुकूमत की दरख्वास्त पे उनके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है? बिल्कुल, उनके खिलाफ कोई एक्शन इसलिए नहीं हो सकता कि वो उन्होंने जजमेंट दिया। इस तरह अगर जजमेंट देने पे रेफरेंस फाइल किए जाते हो तो फिर हर जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल हो जाएगा या पार्टी केस हार जाएगी। तो ये रेफरेंस किसी सूरत में नहीं बनता। ये मेरे ख्याल में किसी को खुश करने के लिए उन्होंने कहा कि हम रेफरेंस फाइल करेंगे क्योंकि जज इज मेंटली इल, इनकम्पिटेंट, ये जुमले लाभ इस्तेमाल कर रहा है। आपको तो अंदाजा करें कि हम अपने इदारों को कहाँ लेके जा रहे हैं। क्या लाभ मिनिस्टर को ये जेब देता है कि वो इस तरह के जुमले, एक चीफ जस्टिस जो पेशावर हाईकोर्ट का है, ये चीफ जस्टिस वो है जिसने मिल्ट्री कोर्ट के 74 केसेस में जिसने 50 के करीब लोगों को सजाएं मौत थी, बाद को लाइफ इंप्रिजनमेंट थी, मिल्ट्री कोर्ट के जजमेंट उसने सेटिस्फाइड किए, इतना ईमानदार हुनर दिलेर जज है। तो उस वक्त तो कोई रिएक्शन नहीं आया और आज अगर आपको किसी को सजा दे दी तो आप उस जज के खिलाफ तमाम जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, बुरा वाला भी कर रहे हैं, इससे ये गलत तरीकाकार है। अदलिया को इस तरह से अगर बेइज्जत करें तो फिर इदारों के दरमियान टकराव होगा जिसको समाधान मुश्किल होगा। ठीक है जी, बेहद शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, माहिर कानून, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। हुआ एक और ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए प्रोग्राम लाइव विद खालिद फातमी। जी
جی ناظرین، پروگرام کے تیسرے اور آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. فاطمہ صاحب، یاسین آزاد صاحب، ماہر قانون سے آپ کی گفتگو ہو رہی تھی، آپ کس نتیجے پہ پہنچے ان سے بات؟ آپ نے دیکھا کہ خصوصی عدالت کا جو میں نے آپ سے کہا نا کہ جو دلائل کا مسئلہ ہے قانونی، اس میں تو ہماری ظاہر ہے وہ سمجھ بوجھ نہیں ہے جو لیگل. ہم نے تو ایک جنرل پوچھا جو تمام چینلز پہ آ رہے ہیں، تمام سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سفید پردہ لگائیں اور 100 لوگوں سے پوچھیں تو 50 سفید کہہ رہے ہوں گے اور 50 اسی کو سیاہ کہہ رہے ہوں گے. تو اب آپ پریشان ہیں کہ بھائی سفید سیاہ. تو یہاں بھی یہ کہ جو لوگ پرویز مشرف کے سپورٹر ہیں وہ آنکھ بند کر کے ایسی ایسی جھوٹی سچی داستان الاپ رہے ہیں کہ الامان الحفیظ. اچھا، جو مخالف ہیں وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کو. تو ہوتا کیا ہے کہ اس ضد میں اور جھوٹ میں جو اصل معاملہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب اس ملک میں ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ آئے، ان کے فوجی کارنامے بلا شبہ بہت رہے ہوں گے، لیکن کیس ایک خاص نقطے سے بنایا گیا، اس کا فیصلہ ہوا. اس میں نہ ان کے کسی فوجی شان میں فرق آ رہا، نہ ان کے ایک پوائنٹ ہے کہ بھائی چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ کس رتبے کے آدمی کا ہاتھ کاٹنا ہے، کس رتبے. اچھا، اب لیکن ظاہر ہے جذباتی ہیں لوگ ہمارے ہیں جو ان کے فالوورس سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. خود ہماری آواز پاکستان کے جو آئی ایس پی آر کے ڈی جی ہیں، انہوں نے بھی سخت لہجے میں کہا کہ بیگم غصہ ہے. تو اب یہ ایک ایسا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ہمیں کتنے اور صدی گزریں گے جب ہم اتنے مائل ہو جائیں گے کہ ذاتی لیجیے آئی ایس پی آر نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں خاندان ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح اب کل فرض کیجیے وکلا کہیں گے ہمیں خاندان ہے، پرسوں سارے پارلیمنٹ والے کہیں گے ہمیں کہ خاندان ہے، سارے بزنس کو ہمیں. تو انصاف خود بخود ختم ہو جاتا ہے معاشرے سے، کیونکہ انصاف میں خاندان نہیں ہوتا. انصاف کی پہلی شرط یہ ہے کہ اگر آپ کا بھائی کسی جرم میں ملوث ہے تو قرآن کے روح سے آپ پہ سب سے پہلی فرض ہوتا ہے کہ اس کے خلاف جا کے گواہی دے. ہم نہیں دیتے، عموماً ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ پنجابی، یہ مہاجر، یہ سندھی، یہ بلوچی، یہ پٹھان. تو اسی لیے ہمارے اچھا اب یہ اور خطرناک ہو گیا کہ اگر سارے ادارے یہ طے کر لیں گے کہ ہمارے ادارے کے کسی آدمی کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے تو مسائل اور بڑھ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت ہی تدبر کی ضرورت ہے. اچھا، عمران خان سے اس کی بھی نہیں آپ مطلب توقع کر سکتے کہ کسی تدبر، وہ تو ایک جذباتی آدمی سوائے گالم گلوچ کے کچھ کرتے نہیں ہیں. اچھا، اس میں میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل نااہلی حکومت کی ہے. جو ابھی میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی 15-16 مہینوں سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اس کیس کو وڈرا کر لیا ہوتا جان چھوٹ جاتی، اب عمران خان کیا ثابت کرنے نہیں، پہلے انہوں نے سزا دلوائی پرویز مشرف کو اور اب اس کی صفائی میں جا رہے ہیں. تو گویا ایک تاثر انہوں نے دیا کہ جی ہم تو بڑے سخت آدمی، سزا کا میں نے آپ کو شور مچایا تھا اس کے زمانے میں، نواز شریف کے دلوا دیا. دوسری طرف یہ ہے کہ بھائی دیکھیں ہمارے تو بڑے تعلقات ہیں فوج سے، ہم تو نہیں کر سکتے کچھ. یہ بہت ابہام ہے اور اس قسم کے تقریباً ہر فیصلے میں عمران خان صاحب کا یہی حال ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ سیاہ بھی میرا، سفید بھی میرا، رات بھی میرا، دن بھی میرا. تو اب اس وجہ سے یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں مطلب یہ تو پاکستان میں جو حقیقی تبدیلی جو ہمیں چاہیے، وہ تو نہیں، وہ تو خیر کیسے اور کب، دیکھیں وہ تو خیر وہ صرف کہانی ہے. میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک پرائم منسٹر یا صدر سے، صدر صاحب کا بھی ٹویٹ موجود ہے پرویز مشرف صاحب کے بارے میں کہ انہیں سخت سزا دینی چاہیے، اور ان کی تو تقاریر ہیں بے گرا، سب سارے میڈیا والے دکھا رہے تھے کل پرسوں. ضرورت اس بات کی کہ ججز بیٹھ جائیں، حکومت کے کارندے بیٹھ جائیں، فوج کے لوگ، اور اس سے کہیں کہ بھائی خدا کے لیے اس کو. اول تو میں آپ کو، تو میری یہ رائے ہے کہ پرویز مشرف ایک ماضی کی کہانی ہے، کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے تھی کہ اس کو درگزر کر دیتے، جانے دیتے، خود اب چلے گئے دبئی، بیمار ہیں، بوڑھے آدمی ہیں. اب حکومت نے کیس کیا، حکومت کے پاس بہترین طریقہ یہ تھا کہ اس کیس کو بجائے ڈیفنس کرنے کے وڈرا کر لیتے، معاملہ ختم ہو جاتا. میں خود بھی یعنی ایک اپنے انسانی ہیومن نیچر سے مجھے پتہ، لیکن اگر آپ اس کو مثال بنانا چاہ رہے تھے کہ نہیں صاحب اس کی سزا یہی ہے، اچھا اس میں بھی دیکھیے اب کنفیوژن نیا شروع ہو گیا ہے کہ یہ آئین شکنی ہے یا غداری ہے. اچھا شیخ رشید صاحب اس سے بھی آگے، کرپشن غداری کے مترادف. اب پوچھا جائے شیخ رشید صاحب سے کہ بھائی آپ کا محکمہ ریلوے ہے، ریلوے میں آپ کے عہد میں ماشاء اللہ سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کے پاس گولڈ ایوارڈ مل سکتا ہے آپ کو ایکسیڈنٹ کرانے کے، لیکن آپ بجائے ریلوے کے
कोई एक वाक्य बजाय रेलवे के जो उन्होंने ये बात की है ना, जैसे सियासतदान जीएचक्यू के गेट नंबर 4 की पैदावार। अब ये देखिए, ये जुमला अगर ईमानदारी से देखा जाए तो उनकी गिरफ्त के लिए बहुत, वो डायरेक्ट फौज को बदनाम कर रहे हैं, यानी वो ये जुमला फौज के खिलाफ है कि जनाब इस मुल्क में तो सियासतदान फौजी पैदा करते हैं। अच्छा, तो फिर इल्ज़ाम उन पर सही है कि आप दखल अंदाजी करते हैं सियासत में, यानी ये है नादान दोस्त, ये है ना, ये पर समझिए इमरान खान की कॉपी है ये, कि ये नादान दोस्त हैं, ये फरमा रहे हैं, क्या जुमला कहा इन्होंने कि सियासतदान जीएचक्यू के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। तो इसके मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में जो सियासतदान ब्लैकमेल हुए हैं वो जीएचक्यू की वजह से, आप कह रहे हैं, तो ये आप जीएचक्यू को बदनाम करने, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, जीएचक्यू मशवरा देता है, जीएचक्यू एडवाइस करता है, जीएचक्यू मिल के काम करता है, उसकी गेट की पैदावार इज़ अ वेरी डेंजरस वर्ड, मतलब वो बनाते हैं सियासतदान। तो कायदे से तो DGISPR से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई उनसे कहें जुबान पे लगाम बंदी करें, इस तरह हमारी फौज बदनाम हो जाएगी, कि गोया फिर सारे इल्ज़ाम उन पर सही हैं। दूसरी बात ये है कि भाई देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हर इदारा अगर, अच्छा ये भी बता दें कि देखिए इस वक्त फौज बहुत डिसिप्लिन्ड है, फौज बहुत मेहनत कर रही है, फौज इस मुल्क से टेररिज्म खत्म करने में बहुत अहम रोल प्ले कर रही है, LOC पे फौज हमारी फंसी हुई है, हिंदुस्तान थ्रेट है हमारे लिए, अफगानिस्तान थ्रेट है, ऐसी सूरत में इन चक्करों में कि जी परवेज मुशर्रफ साहब को क्या होना चाहिए, इस चक्करों में कि पैदावार वो GHQ की हैं, ये इससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगी, ज़रूरत है कि अहले दानिश बैठें और ये कहें कि भाई एनफ इज़ एनफ, तुम्हारी बाउंड्री अपनी है, इसके अंदर खेलों को दो, हमारी बाउंड्री अपनी है, जुडिशल का जो काम है जुडिशल करेगी, सियासतदानों का जो काम सियासतदान करेंगे, फौज का जो काम, अच्छा फौज इसके लिए तैयार है, फौज तो कहाँ कोई दखल भी नहीं दे रही। आप होता यह है जैसे इमरान खान साहब हैं, जब कमज़ोर लीडर होता है तो खुद दौड़ा भागा चला जाता है, तो अब इसलिए अच्छा हम कहते एक पेज पे, अक्सर ये भी आपने जुमला सुना होगा, भाई एक पेज पे क्यों है, अरे आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम, आप बिल्कुल अलग अलग पेज पे दो अलग नावल लिखे, लेकिन दोनों में तजाज नहीं होना चाहिए। अच्छा हमारे ये सब टर्मोलॉजी हमने अपने ब्रेन वॉश के लिए तैयारी की, सारे इदारे एक पेज, सारे इदारे एक पेज पे नहीं होना चाहिए, सारे इदारों को अपने अपने काम कीजिए, जब अपने अपने काम आप फुलफिल करेंगे तो खुद ब खुद एक कहानी साफ सुथरी बन के आ जाएगी जो नहीं हो रही। तो ये इमरान खान की जो बदकिस्मती कि इनके साथ सारे नादान दोस्त जमा हैं जो इनका बेड़ा गर्क करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, जिसमें चौधरी साहब भी हैं, ये भी हैं, और अच्छा वो फरोग नसीम साहब, फरोग नसीम खुद वकील रह चुके, पहले इल्ताफ हुसैन के साथ थे, उसके बाद परवेज मुशर्रफ के साथ, अब वो भी बहुत से ऐसे जुमले बोल रहे हैं जो आज नहीं तो कल गिरफ्त में आ जाएगी। तो फायदा कुछ नहीं, कोशिश करना चाहिए अफहाम व तफहीम से मसाइल हल करें, क्योंकि हम एक्सटर्नल थ्रेट में इस वक्त फंसे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खालिद फातमी साहब आपका, नाज़रीन आपका, इंशाल्लाह आपसे कल, आप अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, रुबीना अलवी को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।